राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्यूट कान्हा जी में। तो आज हम अपने कान्हा जी के लिए कुछ इस टाइप की इंडिपेंडेंस डे या फिर आप रिपब्लिक डे पे पहना सकते हो, तो ये जो है ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाना बहुत इजी है, आप जो है साटन रिबन की हेल्प से इसको ईजीली घर पर बना सकते हो। तो इस ड्रेस में मैंने 4 पीस बनाए हैं। एक मैंने ड्रेस का बेस मतलब घेरा बनाया है, एक ये वाली चोली बनाई है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मुकुट बनाया है, और एक जो है इंडिपेंडेंस डे फ्लैग बनाया है। तो आज मैं आपको 2 चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। फ्लैग बहुत सिंपल है, फ्लैग जस्ट मैंने 3 रिबन पेस्ट जो है किए हैं आपस में, और इनको जो है मैंने एक पाइप पे प्लास्टिक की, मैंने कोई भी आपने स्टोव वगैरह लेनी है तो उस पर आपने जो है पेस्ट कर देना है। तो ये तो आप वैसे ही घर पर बना सकते हो। तो ये मैंने 2 पीस आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे बड़े वाले कान्हा जी का अभी मुकुट बनाने वाला रहता है, तो वो मैं बाद में बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने बुकरम ली है और उसके ऊपर जो है फैब्रिक को पेस्ट किया है। साइड में मैंने गोटा भी लगा लिया है। ये मैंने ड्रेस का बेस रेडी करके रखा हुआ है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देखकर इसको बना सकते हो। किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए बनाना बहुत इजी है। तो इसकी मैंने अभी डोरी नहीं लगाई है, जस्ट डोरी वाली जो स्ट्रिप एक वो साइड से मैंने अटैच करके रख दी है, क्योंकि उसका मैं रीज़न आपको बाद में बताऊंगी। तो इसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जैसे कि हमने घेरे का इस तरह से माप लेना है। तो मान लीजिए 18 इंची का आपका टोटल घेरा बैठता है, इस तरह से आप मेज़रमेंट करें गोलाई का बाहर वाली साइड से, तो 18 इंची बैठता है, तो 3-3 जो है इंचीज़ का हम डिवाइडेशन करेंगे, और उसी डिवाइडेशन के ऊपर हमने मार्क लगा लेनी है। तो ये देखिए इक्वल साइज़ के मैंने मार्क लगा लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये वाला 6, टोटल 6 जो है डिवाइडेशन मेरे हो चुके हैं। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे तो मैंने दोनों साइड्स में ग्रीन कलर का रिबन कि मैंने पेटल्स बनाकर लगानी है, यहाँ पे दोनों साइड के मिडल में मैंने वाइट कलर के पेटल्स लगानी है, और यहाँ पे जो 2 एक साथ बचते हैं तो उनको मैंने कंबाइन ही कर लेना है। तो ये जो है मेरे टोटल 5 पार्ट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इसमें मैंने ऑरेंज कलर की पेटल्स लगानी है, तो इसके लिए मैं पेटल्स बनाना सिखाती हूँ। तो पेटल्स बनाने के लिए मैंने 3 कलर्स के साटन रिबन लिए हैं। ये जो रिबन है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाएगा। तो इसकी मैंने एक जो है ये वाली स्ट्रिप कट की है, इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो है 2.5 इंचीज़ की। आप चाहें तो अगर आप बड़ी ड्रेस बना रहे हैं बड़े साइज़ के कान्हा जी के लिए तो 3 इंचीज़ की ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने एक स्ट्रिप ली है, इसको इस तरह से फोल्ड किया और फिर से इस तरह से फोल्ड किया, तो ये देखिए बहुत ही अच्छी पेटल की लुक आ जाती है, आप फिर से देख सकते हो। इस तरह से मैंने साटन रिबन को पकड़ा हुआ है और फिर एक साइड इस तरह और एक साइड इस तरह, यहाँ पे एक जो है कोन की शेप आनी चाहिए, और फिर हमने ये वाली दोनों साइड्स को आपस में जॉइंट कर देना होता है एक दूसरे के ऊपर करके। फिर हम लाइटर की हेल्प से इसको इस तरह से बर्न करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हाथ से मजबूत कर लेंगे। तो ये एक हमारी पेटल बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हमने जो है चाहे तो आप ग्लूस की हेल्प से या फिर आप जो है स्विंग मशीन की हेल्प से 1 बाय 1 करके इसको इनको जो है अरेंज कर लें, तो मैं आपको अरेंज करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है फैब्रिक ग्लू लगाई है, ये मैंने पेटल्स रेडी किए हैं ग्रीन कलर के, तो इनको मैंने इस तरह से जो है पेस्ट करना है। तो एक जो है हमने लाइन इस तरह से करते हुए कम्प्लीट कर लेनी है, उसके बाद जब हम सेकेंड लाइन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमने एक बात नोट करनी है। अब देखिए ये जितने मैंने ग्रीन पेटल्स लगानी थी उतनी मैंने लगा ली है, यहाँ पे वाइट आएंगी और यहाँ पे इतने में ऑरेंज आएंगी, तो इसके लिए मैंने सेकंड लाइन स्टार्ट करनी है। तो सेकंड लाइन में हमने बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो भी हम पेटल लगाएंगे वो दोनों जो फर्स्ट वाली लाइन हमने लगाई है उनके दोनों के बीच में आने चाहिए, ताकि ये बहुत अच्छी जो है हमें लुक दे सके। तो ये जस्ट लुक अच्छी देने के लिए और ड्रेस को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम जो है इसमें यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने सेकंड जो है लाइन को कंप्लीट करना है। उसी टाइप से आपके घेरे में जितनी भी लाइंस आती हैं तो उनको आप इजीली इस तरह से कन्वर्ट जो है कंप्लीट करते जाएं, और यहाँ पे आपकी जो है एंड वाली पैटर्न लग जाएगी। उसी तरह सेम फैब्रिक से आपकी जो है सभी आपने एरिया कवर कर लेना है। तो फिर हमने ये वाली डोरी लगानी है,
तो वो मैं आपको बेस ड्रेस के बेस बनाने का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये मैंने डोरी पहले इसलिए नहीं अटैच की थी क्योंकि ये जो हम बर्न करते हैं तो वो निशान दिखाई देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो है पेटल्स हम लगाएंगे तो उनके जो है निशान कवर हो जाएंगे इसके अंदर ही, डोरी वाली जो हमारे पास स्ट्रिप है उसके अंदर की ओर ही आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी जो है हमें लुक देने वाली है ये ड्रेस। तो इस ड्रेस को मैं कंप्लीट करके डोरी भी लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं जी, घेरा हमारा हो चुका है बिल्कुल रेडी। और अब बारी आती चोली की, तो चोली में हमने मैंने बहुत सारी काफ़ी वीडियोस में मैंने ये वाली सिंपल चोली बनाई है, तो आपको मैं प्रेफर करूँगी कि जब भी आप हैवी ड्रेस बनाते हैं तो उसकी चोली आप सिंपल ही रखा करें। तो इस चोली को बनाने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप मुकुट भी जो है बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, तो इस सेम जो है डिज़ाइन का मुकुट मैं बनाऊंगी जल्द ही वीडियोस में। तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि अगर आपको वीडियो देखनी है या नहीं, और अगर आप ये ड्रेसेस मेरे से परचेज़ करना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में बता सकते हैं, तो मैं इनको जो है आपको ईज़िली भेज सकती हूँ कोरियर से। तो आप इस ड्रेस को ज़रूर ट्राई करें अपने कान्हा जी के लिए, क्योंकि मेरे कान्हा जी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं इस ड्रेस में। तो और इन ड्रेसेस का मैंने काफ़ी स्टॉक रेडी भी किया है, तो ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ड्रेसेस हैं, और भी बहुत सारी ड्रेसेस हैं, हर साइज़ में अवेलेबल हैं। तो अगर आपको बाय करनी है तो भी आप कमेंट सेशन में बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने कान्हा जी के लिए अपने घर पर जो है इन ड्रेसेस को ईज़िली बना सकते हैं, तो आप घर पर ही बनाएँ। तो ये देखिए चोली पे आप जो है आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हो, या फिर जो है हैंडमेड रिबन से बने हुए फ्लावर्स लगा सकते हो। यहाँ पे वन जो है फ्लावर लगाएं तो उससे भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव चोली जो है बन जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कमेंट सेशन में ज़रूर बताएँ कि आपको मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे फ्रेंड्स।